वक्त दे एक बहुत बड़े इमाम नू मारिया जांदा है ते नाले किया जांदा है कि कुरान कुरान खालिक दा कलाम नहीं है बल्कि ओदी मखलूक है। ए इकरार कर ले क्योंकि दुनिया तेनू मनदी है ना कि तू वक्त दा बहुत बड़ा आलिम है ना वक्त दा बहुत बड़ा इमाम है। लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह ले पेश कर दिंदे ने अपना आप कुरान मजीद नू कुरान मजीद ते हर्फ नहीं आन देंदे क्योंकि अगर कुरान नू अल्लाह दी मखलूक करार दे दिता जाता तो मखलूक मखलूक दे ताबे नहीं होया कर दी फिर कुरान पाक दे सारे अहकामात जायल हो जांदे। जेड़े अल्लाह वाले सन जेड़े कुरान और हदीस पढ़ने वाले सन कुरान और सुन्नत ते सारी जिंदगी पहरे देने वाले अपने आप नू पेश करने वाले कुरान पाक नू समझने वाले सोने नबी अलैहिस्सलाम दे फरामीन नू समझने वाले कदी भी दौर उन्हां ते चंगे नहीं आए हालात हमेशा ही इन्हां दे नाल इन्हां दे नाल टसल अंदर रहिंदे ने ना हालात दा सामना इन्हां नू करना ही पैंदा गे ना। वह भी लोग होंदे ने जिहड़े मिट्टा मिट्टा अप अप करना सिखे होंदे ने ना अंदर वैब अंदर वड़ के अंदर बैठ करके अपनी मर्जियों ते पैसे दी मर्जियों फतवे देने वाले गल गल ते अल्लाह दे कुरान दियां आयतां नू बदलने वाले उन्हां दी तहरीफ करने वाले बात बात ते प्यारे आका जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहकामात नू नजर अंदाज करने वाले अपनियों अपनी मर्जियों फतवे देने वाले दीन दा नुकसान एहो जे लोगां ने कीता है ना जेड़े दीन दी आड़ अंदर दीन दा लेबल लगा करके आलिम दा लेबल लगा करके अपने आप नू वक्त दा मुहद्दिस कहलवा करके अपने आप नू फकीह कहलवा करके लोगां दा लोगां दे ख्यालात नू बदल देने ना लोगां दे दीन नू खराब कर देने। लेकिन जिन्ना ने जिन्ना दे दिलां ते कुरान ने असर कीता होवे जिन्ना दे दिलां ते कुरान ने इंज दा असर कीता होवे कि उन्हां दी जिंदगी बदल दित्ती होए ओ लोग कदे कुरान मजीद ते हरफ नहीं आन देंदे। अल्लाहु अकबर लाला अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया फरमाया जिल्लाउ أنزلنا هذا القرآن